आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है और टाइगर स्टेट में बाघ शावकों की अटकेलियां आप यहां देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए सुमित हरे की रिपोर्ट। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व में ये बाघ के शावकों की अटकेलियां जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को बाघिन P141 और उसके चार शावक अटकेलियां करते हुए लुभा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस जमकर वायरल हो रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता तिर्की ने कहा कि आकर्षण का केंद्र बाघिन और उसके शावक हैं। यूँ तो दुनिया में पन्ना टाइगर रिजर्व को बाघों की बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है, इतना ही नहीं यहाँ पर्यटकों को आसानी से बाघों के दीदार हो जाते हैं। यही कारण है कि देश के कोने कोने से पर्यटक पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के दीदार के लिए वहाँ पहुँचते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए पन्ना से सुमित हरे की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P141 और उसके चार शावक अभी लगातार दिख रहे हैं, जिसे पर्यटक अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। और फील्ड डायरेक्टर के द्वारा बताया गया कि चारों शावक मां के साथ जंगल के शिकार के गुर सीख रहे हैं। शावक 6 माह के हो चुके हैं लगभग, और ये जंगल में अब जीवन यापन करने के लिए शिकार के गुर अपनी माँ से सीख रहे हैं। ये पन्ना से अगर आप छतरपुर की ओर जाते हैं तो पन्ना से खजुराहो की तरफ जाते हैं तो मड़ला गेट एक पड़ता है पन्ना टाइगर रिजर्व में। उस मड़ला गेट के आसपास P141 टाइगर के ये शावक यहाँ पर दिख रहे हो। कितने बहुत सुंदर तरीके से पर्यटक इन्हें देख पा रहे हैं। देखा जाए तो इस तरीके के हर टाइगर रिजर्व में इस तरीके के शावक दिख जाएंगे, पर पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक के द्वारा मीडिया के जरिए जो जानकारी दी गई वो हम आपको बताते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है अंजना सुचिता तिर्की का। जी हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व में जिस इस वर्ष जो पर्यटन चालू हुआ है अक्टूबर से, हमारे P141 और उसके जो चार शावक हैं वो पर्यटकों को काफ़ी लुभा रहे हैं। पर्यटन जोन में कई बार वो दृष्टिगत होते हैं और इससे हमारे जो पर्यटक हैं काफ़ी रोमांचित हैं और पर्यटक यहाँ पे आना पसंद कर रहे हैं, और हमारी जो टिकट्स की सेल है वो भी बहुत अच्छी चल रही है। मैम, जहाँ जहाँ पर लोग पढ़ते हैं जिन जिन गेट खुले हुए सभी जगह टाइगर दिख रहे हैं। जी हाँ, ज़्यादातर मड़ला गेट पे P141 और उसके शावक P151 और उसके शावक दिखते हैं। उसके अलावा हिनौता में और अकोला की तरफ भी एकल बाघ दिखते हैं, और जिससे काफ़ी पर्यटन को बढ़ावा मिला है। मैडम, कितने माह के हैं ये शावक? ये लगभग 6 से 8 माह के हैं शावक। सुना आपने पन्ना टाइगर रिजर्व की क्षेत्र संचालक अंजना सुचिता तिर्की के द्वारा जो जानकारी दी गई, जो उनके द्वारा बताया गया, वो हम आपको आपके साथ साझा वो उनका वक्तव्य किया गया। हम आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व से ज़्यादा अनुकूल माहौल पैंच टाइगर रिजर्व में है, पैंच नेशनल पार्क में है। पर पैंच नेशनल पार्क में क्षेत्र संचारक कार्यालय के द्वारा कभी भी इस तरीके से अगर कोई घटना घटित होती तो सिर्फ विज्ञप्ति जारी करके उनके द्वारा अपने कर्तव्यों की इतिश्री सालों से की जाती रही है। देखा जाए तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें मीडिया के जरिए, क्षेत्र संचालक हों या उप संचालक हों, उन्हें मीडिया के जरिए मीडिया को बताना चाहिए कि वहाँ किस तरह के जानवर दिख रहे हैं, कब कौन से जानवर दिख रहे हैं, ताकि पर्यटकों तक वो बात पहुंचे। चूँकि वर्तमान में जमाना संचार क्रांति का, संचार क्रांति में लोग हर तरफ से हर जगह से ये कोशिश में लगे रहते हैं कि उन्हें वन्य जीवन किस तरह का है, वन्य जीवों के दीदार हो जाएं।
पर विडंबना ही कही जाएगी कि पेंच टाइगर रिजर्व में इस तरीके का कोई कवायद होती दिखती नहीं। पन्ना टाइगर रिजर्व से सुमित खरे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।